वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों 2014 में मूवी आई थी रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर की, एक विलन। उसी का सीक्वल नया आ रहा है, एक विलन रिटर्न्स, जिसमें कई सारे एक्टर्स हैं जिनमें आप अभी हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं तो हमें पता चलेगा कौन कौन से ट्रेलर हैं, किस किस ने कैसा काम किया है और एक विलन इसमें एक्चुअल में कौन होगा। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं, फिर करते हैं इसके बारे में बात। तो चलिए स्टार्ट। राकेश महाडकर, ये 2014 में जो मूवी आई थी एक विलन, उसमें रितेश देशमुख जो था वो रियल में एक विलन था, तो उसके बारे में भी स्टार्ट उसी के उन्हीं के फेस से किया है स्टार्ट मूवी को। एक आम आदमी, 18 लड़कियों का मर्डरर। शायद आप लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न। जान लेना इसकी बीमारी है। वो सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर्स हो। दिल टूटे आशिकों का, मतलब दिल टूटे आशिकों का एक वन साइड लवर मसीहा बनना चाहता है। कुछ तो कनेक्शन है इन सब एक तरफा लव स्टोरीज में और उसकी लव स्टोरी में। दिशा पता नहीं जॉन अब्राहम। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू। जैसे कि आप सुन रहे हो कि इसमें मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स, एक एक्शन मूवी और थ्रिलर मूवी कह सकते हो, सस्पेंस वाली मूवी कह सकते हो, तो इसमें आप ट्रेलर के मतलब बिहाफ पे बता रहा हूँ मैं आपको ये सब चीजें। अभी तक जो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में, ऐसे स्टार्टिंग में उन्होंने पहले ट्रेलर दिखाया कि एक विलन है ये है, अब इसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी है, तो बाकी आगे देखो। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, अर्जुन कपूर भी है इसमें। कभी मेरा प्यार ना, मत छोड़ मुझे, मत छोड़। ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो मतलब अभी दिखाया कि अच्छा वो जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर है उस अभी उसमें दिखाया कि मत छोड़ मुझे, मत छोड़ बोल रहा था वो डायलॉग। तो मतलब वो एक वन साइडेड लवर हो जाएंगे इस मूवी में, क्या पता वो एक विलन कि कौन हीरो कौन विलन। मैं हीरो हूं तेरी कहानी का, तू हीरो तो मैं तेरी कहानी का विलन। अरे भाई साहब क्या भयंकर डायलॉग था ना। सबको या खुद मर जाऊंगा, मारते पर मैं उठता रहूंगा आखिरी सांस तक। तेरी गलियां गलियां गलियां। ये सॉन्ग गाया है, गाया था उस वक्त भी अंकित तिवारी ने, जिससे वो फेमस हुए थे काफी, उनको उसके बाद प्रेज करा था लोगों ने। और बाकी इस मूवी में फिर से उनका एक सॉन्ग रिटर्न आया है, तेरी गलियां 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 तेरी गलियां। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है, तो मैं कौन हूं, तेरा डर या तेरा प्यार। विलेन ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलेन और तू। ए विलेन। या देखो अभी तक जो ट्रेलर देखा मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि उसमें विलन कौन है, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर है, पिता पता नहीं है, या तारा है। तारा न्यू सिंगर है, उनका शायद डेब्यू होगा या इस मूवी से, तो मुझे को कोई जानकारी नहीं है। बाकी मूवी आएगी 29th of July को रिलीज होगी और 29th July इज वैलेंटाइंस डे। हो गया ऐसा, नाम ही चेंज कर दिया, डेट का नाम बच गया वैलेंटाइंस डे। तो यार ये था एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर, और पढ़ते हैं इसके नीचे कमेंट्स क्या हैं और क्या क्या लोगों ने लिखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी होगी इसमें बिल्कुल।
I am damn sure that no one can replace the original equivalent, Siddharth and Shraddha. It was superb movie. Let's see the trailer of Equivalent Return. सही बात है यार, उन दोनों का कॉम्बो उस मूवी में बताया तो डियो काफ़ी प्यारा था और अच्छा था, मतलब लोगों को पसंद आया था, मुझे भी पसंद आया था क्योंकि वो भी मैं मूवी मैंने भी देखी थी, हॉल में जाके देखी थी इनफैक्ट। और कमेंट्स देखेंगे तो ट्रेलर इज़ गुड, लेट्स सी हाउ द मूवी विल बी, बट नथिंग कैन रिप्लेस, देखा इन्होंने जो लिखा है द ऑसमनेस ऑफ इक्विवेलेंट 2014 कैन नेवर बी रिप्लेस। अधिकतर लोगों ने वही लिखा हुआ है जो है रियल बात, इक्विवेलेंट ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, किसी भी चीज़ का सिक्वल बनता है तो या तो ठीक ही बनता है यार, देखा तो मैंने बहुत और कम का देखा है पर कुछ कह नहीं सकते। और कमेंट्स देखें तो कैन फॉरगेट द ओरिजिनल पार्ट वन मूवी, इट वॉज जस्ट ऑसम, ओनली आई कुड रिमेंबर वॉज माई कॉलेज डेज एंड दोज सॉन्ग्स ऑफ 1 मिलियन आर अनफॉरगेटेबल विद दैट कॉलेज मस्ती। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डैट सॉन्ग तेरी गलियां गेव मी नॉस्टैल्जिया फीलिंग एज वेल एज गूज़बम्प्स, इतना भी ज़्यादा सही गाना नहीं था, पहले शुरुआत में चला था वो बढ़िया गाना, पर अब मेरे को तो बोल देता उस गाने से बहुत ज़्यादा। चलो ये थे कुछ कमेंट्स जो थे आपके एक विलन के ट्रेलर के नीचे। आपको एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।